Hi friends, I'm Payal and welcome to my channel Beautify. आज मैं आपके साथ एक आईलाइनर रिव्यू करूंगी जो बहुत ही अफोर्डेबल है और ये अभी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको मिल जाएंगे ये वाला। लेकिन मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ये वाला परचेस किया, उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का जो आईलाइनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मार्स का आईलाइनर। मेरे पास दो कलर्स है, एक है ग्रीन, एक है ब्लू और इसमें ब्लैक भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके जो पैकेजिंग है बहुत ही स्मार्ट, क्यूट पैकेजिंग है। एक छोटा सा इसके पैकेजिंग है लेकिन इस देखने में बहुत फैंसी है, आप देख सकते हो। मैं एक्चुअली इसके जो पैकेजिंग है उसे देख के ये परचेस की हूँ और मुझे थोड़ा कलर लिक्विड आईलाइनर यूज़ करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार ट्राई कर लूँ। ये अफोर्डेबल भी है और देखने में भी काफ़ी फैंसी है। लेकिन मैं आपसे ये पहले बता देना चाहती हूँ कि ये है मेड इन चाइना प्रोडक्ट। सो यस, अगर आपको वैसे कुछ है कि मुझे नहीं ख़रीदना है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इसके बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये है प्लास्टिक पैकेजिंग, इसके अंदर में एक बॉल है जो लाइनर को सूखने नहीं देंगे, मतलब ड्राई नहीं होने देंगे। अभी मैं बताती हूँ इसके अंदर में और एक चीज़ है कि इसमें कहीं पर भी कुछ भी डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ था। इसमें कोई आउटर पैकेजिंग ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही रिसीव हुआ था। तो इसके जो मतलब होल्डिंग पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है, ग्रिप बहुत अच्छी तरह से आता है और इसके जो ब्रश है आपको मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है ये बहुत छोटू सा। देखिए ये है एक्चुअली बॉटल जिसके अंदर में प्रोडक्ट है और ये है ब्रश, तो ये है लाइनर ब्रश। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो कलर। ये एक डार्क ब्लू, ब्लैकिश, जो इंक ब्लू होता है ना वैसे काइंड का काइंड ऑफ है, जो पेन का कलर होता है ना वैसे, वेरी डार्क ब्लू। और ये ग्रीन है, ग्रीन का भी मैं कलर आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है ग्रीन और ये है ब्लू। ग्रीन का काफ़ी अच्छा सा हल्का सा एक कलर है जैसे आप देख रहे हो और ब्लू इससे थोड़ा सा डार्क है। सो हाँ, ये दोनों मुझे शायद 65 या 70 रुपीज़ प्राइस इसका पड़ा था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो, और मैं लिंक भी नीचे दे दूंगी। सो मुझे पसंद आया है लेकिन जब आप इसे यूज़ करोगे ना, यूज़ करने के थोड़ी देर बाद ये सूख जाता है और फिर कलर थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है, मतलब डार्किश। अगर आप दूर से इसे देखोगे ना तो ब्लैक काइंड ऑफ लगेगा, जब आप लगाओगे तब तो एकदम प्रॉपर कलर आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा, अदरवाइज़ कलर्स बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी सारे कलर्स शायद आता है, लेकिन मुझे जो नॉलेज है मैंने तीन कलर्स देखे थे, एक ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। ब्लैक मेरे पास काफ़ी सारे है इसलिए मैंने ब्लैक वाला नहीं लिया, खाली ब्लू एंड ग्रीन लिया था। तो वैसे मुझे पसंद आया था, ये अफोर्डेबल भी है और थोड़ा मुझे ट्राई करना था। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसके जो ब्रश है ना, ये काइंड ऑफ जैसे पेन आईलाइनर होता है ना वैसे काइंड ऑफ है। ये बहुत स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा ये ना हार्ड है, जैसे पेन का होता है ना निब वैसे काइंड ऑफ है। तो ये बहुत स्मूथ नहीं है, आप देख सकते हो, देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है। 65 या 70 रुपीज़ में आपको और कितना अच्छा मिलेगा। इसे मुझे ट्राई करना था, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, रेगुलर यूज़ के लिए ठीक ही है। अगर आप थोड़ा सा कलर चेंज करके कुछ मेकअप करना चाहते हो तो ये परफेक्ट है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। तो या ये है मार्स का मेड इन चाइना प्रोडक्ट और मुझे 65 या 70 का पड़ा था, मैं नीचे सारे डिटेल्स आपको दे दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया है, थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू था।
आई होप पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल बटन आएंगे उसे भी क्लिक करना नहीं भूलिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटिफुल।